बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से मुश्किल कार्य करते हैं और मुश्किल कार्यों को करने के लिए हम मशीनों का सहारा लेते हैं ना। जैसे कि कुएं से पानी निकालने के लिए हम घिरनी का प्रयोग करते हैं, है ना, और कील ठोकने के लिए हथौड़े का प्रयोग करते हैं, डब्बे का ढक्कन खोलने के लिए चम्मच का प्रयोग करते हैं। तो इन कार्यों के लिए हम मशीनों का सहारा क्यों लेते हैं? क्योंकि मशीनों की सहायता से हमारा काम कम समय में और आसानी से हो जाता है ना। और मशीनें हमारे बल के प्रभाव को बढ़ाती हैं, हमें कम बल लगा के हम आसानी से काम कर सकते हैं, है ना। इस तरह की मशीनें सरल मशीन कहलाती हैं। इसको हम इस तरह से बता सकते हैं, ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। और ये सरल मशीनें जो है, कई सारी सरल मशीन मिलकर जटिल मशीन बनाती हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, सिलाई करने की मशीन है, साइकिल है। तो इस तरह की मशीनें जो है, बहुत सारी सरल मशीनों को मिलाने से बनती हैं, है ना। तो सरल मशीन जो होती है, ये 5 तरह की होती है, है ना। इनके बारे में जानते हैं। सरल मशीन 5 प्रकार की होती है। पहली उत्तोलक, दूसरी पेच, तीसरी झुकातल, चौथा घिरनी, पांचवी पहिया और धुरी। तो सबसे पहले हम लोग उत्तोलक के बारे में आज जानते हैं कि उत्तोलक क्या होता है, ठीक है। उत्तोलक जो होता है, एक लंबी छड़ होती है, हम कह सकते हैं उत्तोलक एक छड़ होती है जो एक धुरी, एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ आसानी से घूम सकती है, और उस बिंदु को हम आलंब कहते हैं, है ना। और उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, एक बिंदु होता है आयास, एक बिंदु होता है आलंब और एक होता है भार, ठीक है। तुम लोग आलंब, आयास और भार के बारे में जानना चाहोगे कि ये क्या होता है? देखो, तुमको हम उदाहरण से बताते हैं, है ना। ये देखो मेरे पास, ये इसमें कील गड़ी हुई है, इस लकड़ी के टुकड़े में कील गड़ी हुई है, और ये हथफूल है, देखो, है ना। इससे क्या करेंगे, इस कील को हम निकालेंगे। देखो भाई, ऐसे हमारे लिए कील निकालना कितना मुश्किल है, हम कील इससे नहीं निकाल पा रहे हैं ना। अब इसकी सहायता से हम कील कितनी आसानी से निकालेंगे, तुम लोग ध्यान देना। इसमें इसको हमने ऐसे इसमें फंसाया और इसका इसमें सहारा लिया है, और ऐसे इस कील को हमने यहां से ये निकाल दिया। देखो ये कील निकल गई, है ना। इस कील को हम फिर से लगा देते हैं इस हथौड़े की सहायता से। अब तुम लोग इसमें एक चीज ध्यान से देखो, ये कील जो हमको निकालनी है, ये हमारा क्या हो गया, ये भार हो गया। कील हमको निकालनी है, ये भार हो गया। और इस हथफूल को हम ऐसे जैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे इसको टेक लेते हैं, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सहारा देते हैं, टेक देते हैं। इस टेक के लगाए बिना ये निकलेगा नहीं, तो इस टेक वर्क को हम क्या कहते हैं, आलंब, है ना। और इस कील को निकालने के लिए हम जितना प्रयास करते हैं, जो प्रयास हम करते हैं, उसको कहते हैं आयास, ठीक है। तो तुम लोगों को आलंब, भार और आयास समझ में आया। आलंब कहते हैं सहारा को, जब हम लोग किसी भार को उठाने के लिए जिस चीज का सहारा लेते हैं, उसको हम कहते हैं आलंब। और भार तो वो चीज जिसको हमको उठाना है, और आयास हमारा जो प्रयास है, जो बल हम लगाते हैं उस काम को करने के लिए, उस भार को उठाने के लिए, उसको हम आयास कहते हैं, ठीक है। तो ये तो तुमको समझ में आया है ना, कि आलंब क्या होता है, आयास क्या होता है और भार क्या होता है। जब ये आलंब, आयास और भार की स्थितियां बदलती हैं, इनकी स्थितियां बदलने से उत्तोलक भी 3 प्रकार के हो जाते हैं, है ना। उत्तोलक जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक, ठीक है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के क्यों होते हैं, जैसा कि मैंने तुमको ही बताया कि जब आलंब, आयास और भार की स्थितियां बदल जाती हैं, उससे उत्तोलक 3 प्रकार के हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रथम प्रकार के उत्तोलक के बारे में बात करते हैं, ठीक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, जिन उत्तोलकों में आयास यानी कि हमारा लगाया हुआ बल और भार के मध्य में आलंब होता है, उन उत्तोलकों को हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। जैसे कि तुम इस चित्र में देखो, ये हमारा एक उत्तोलक है, इसमें एक तरफ भार है और एक तरफ हमारा प्रयास यानी कि आयास है, है ना। और बीच में क्या है, आलंब है। यानी कि कह सकते हैं जिस उत्तोलक में आलंब बीच में होता है, वो उत्तोलक प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है, ठीक है। और इसके उदाहरण है हथौड़ा, सीसा, झूला, कैची,
ठीक है। कैंची तुम लोग जानते ही हो, घर में कैंची से कपड़े काटते हो, कागज काटते हो, ना। देखो मेरे पास कैंची है ना। अब इसमें तुमको हम बताते हैं इसमें आलम कहाँ है, भार कहाँ है और आयास कहाँ है। ठीक, तुमको मैंने बताया था कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, आलम बीच में होता है ना। अब इस कैंची में, जब इस कैंची से हम कागज को काटते हैं, देखो ये कागज को हमने यहाँ रखा ऐसे है ना, इस कैंची में बीच में जो ये पेंच लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, आलम है, ये इसको सहारा दे रहा है। और ये हम इसको पकड़ के यहां से बल लगा रहे हैं, तो ये हमारा आयास है, ये आयास है और ये आलम है। और चूंकि इससे हम कैंची से कपड़ा काट रहे हैं या कागज काट रहे हैं, तो ये हमारा भार हो गया। ठीक है, ऐसे काटते हैं है ना। तो तुम देखो कि ये हमारा आयास है और ये आलम है और यहाँ पे भार है। आलम कहाँ है, बीच में है। जिन उत्तोलकों में आलम बीच में होता है वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं। ठीक है, और प्रथम प्रकार के उत्तोलकों के और उदाहरण है, जैसे कि अभी तुमको मैंने कील निकाल के दिखाई थी है ना, कील को निकाल के दिखाया था, वो भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। और जो प्लास, प्लास का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, और सीसा झूला तुम लोग झूलते हो है ना, सीसा झूला जब झूलते हैं तो देखो उसमें किस तरह से प्रथम प्रकार का उत्तोलक का कार्य होता है। देखो इसमें, देखो ये झूला है, इसके बीच में यहाँ पे आलम है यानी कि सहारा है ना। और एक तरफ एक बच्चा बैठा हुआ है, दूसरी तरफ एक बच्चा बैठा हुआ है ना। तो एक बच्चा जब ये ऊपर उठता है, ये बच्चा ऊपर उठ रहा है तो ये बच्चा नीचे जा रहा है, तो ये भार हो जाता है और ये आयास हो जाता है। ठीक है ना। और ये बीच में क्या है, आलम है, एक तरफ भार, एक तरफ आयास और बीच में आलम। ठीक, तो सीसा झूला जो है प्रथम प्रकार के उत्तोलक का एक उदाहरण है। तुम लोगों के घरों में आसपास की जगहों पे हैंडपंप लगा हुआ है ना, हैंडपंप से पानी निकालते हो ना, कभी ध्यान दिया कि किस तरह की मशीन है, ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। कैसे, देखो इस हैंडपंप के चित्र को ध्यान से देखो, इसमें इसको चलाते हैं हम तो पानी निकलता है, पानी कहाँ होता है, नीचे, पानी यहाँ पे चढ़ता है, यानी जो पानी हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या हो गया, भार है ना। और यहाँ पे हमको इसको हैंडपंप को सहारा देते हैं इस जगह पे, ये तो ये हो गया आलम, और यहां से हम बल लगाते हैं पानी निकालने के लिए, ये हो गया आयास। ठीक है, तो इसमें भी देखो आलम कहाँ है, आलम बीच में है, आयास यहाँ है, भार यहाँ है और आलम बीच में है, तो ये भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, जिन उत्तोलकों में आलम और आयास के मध्य में भार होता है, यानी कि भार जो होता है वो मध्य में होता है, उस उत्तोलक को हम द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। ठीक, अब जैसे कि इस चित्र में ध्यान से देखो, ये हमारा आलम कहाँ है, किनारे पे है, और भार बीच में है, और आयास यानी कि जो हमारा प्रयास है, जो हम बल लगाते हैं, वो दूसरे किनारे पे है, बीच में क्या है, भार है ना। तो इस प्रकार के उत्तोलक जिसमें भार बीच में होता है उसको हम द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। ठीक, इसके उदाहरण क्या है, सरोता जो तुम्हारे घरों में होता ही है, ट्रॉली है, नाव है ना। अब तुमको हम बताते हैं कि सरोता, ट्रॉली या नाव में आलम, आयास और भार कहाँ कहाँ होता है। ठीक, सरोता तुम्हारे घर में होता है ना, इससे दादी माँ या माँ तुम्हारी वो सुपारी काटती होंगी, तोड़ती होंगी कोई चीज। इसमें देखो यहाँ पे ये बंद होता है, यहाँ पे इसको सहारा देते हैं, यहाँ से ये आलम होता है ना। और बीच में जो चीज हमको तोड़नी है या काटनी है उसको हम बीच में रखते हैं। ठीक है, और यहां से हम इसको दबा के चलाते हैं, यानी कि अपना बल लगाते हैं है ना। तो देखो इसमें भार कहाँ हो रहा है, भार बीच में है, और आलम किनारे पे है और आयास किनारे पे है। ठीक है, भार बीच में है ना। तो इस प्रकार के उत्तोलक को जिसमें भार बीच में होता है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। ठीक, तुमने देखा होगा भारी बोझा अगर ढोना हो तो हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, जब कई लोग मिल के बोझा उठाते हैं तो पूरा बोझा उठा पाते हैं है ना। लेकिन इन मशीनों की सहायता से भारी बोझा भी केवल एक व्यक्ति के ढोने से पूरा हो जाता है काम हमारा। कैसे, कि देखो ट्रॉली की सहायता से, इस ट्रॉली में सारा बोझा रख दिया जाता है, एक व्यक्ति ही बोझा को ढो के जहां पहुंचाना होता है वहां पहुंचा देता है, यानी कि कम प्रयास में और कम बल लगाने से हमारा काम हो जाता है। इस ट्रॉली में देखो, इसमें यहाँ पे बोझा रखा हुआ है जिसको हम भार कहते हैं है ना, यहां से हम बल लगाते हैं यानी कि आयास,
और ये हमारे यहाँ पे जो पहिया होता है ये हमको जमीन पे सहारा देता है ना। तो ये क्या हो गया, आलम है, और बीच में भार हो गया, आयास और आलम किनारे पे हो गए, है ना। तो ये भी द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। इसमें देखो ये जो बच्चा बैठा हुआ है ये अपने हाथ से बल लगा रहा है चप्पू को चलाने में, तो ये आयास हुआ, ठीक है। अब ये बच्चे का भार और नाव आगे बढ़ रही है तो ये भार हो गया, और चप्पू को बच्चे ने सहारा दिया है यहाँ पे, तो ये हो गया इसका, ये बिंदु क्या हो गया इसका, आलम्ब हो गया, ठीक है। तो इसे भी देखो आयास और आलम्ब के बीच में भार है, ये भी द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, ठीक। ये देखो बोतल खोलने का यंत्र है, ये बोतल खोलने का यंत्र है, इससे बोतल को ढक्कन हम खोलते हैं, है ना। तो इसको जब बोतल में हम लगाते हैं तो यहां से हम इसको सहारा देते हैं, है ना, और बोतल का ढक्कन बीच में होता है और यहां से हम प्रयास करते हैं, बल लगाते हैं। इधर हमारा आयास होता है, इधर हमारा आलम्ब होता है, और बीच में भार होता है, ठीक है। और ये देखो ढक्कन, डब्बे का ढक्कन तुम्हारे घर में जब खोलना होता है कैसे खोलते हो, इसको किसी चीज की सहायता से खोलते हो ना, ऐसा तो खोल नहीं पाता ढक्कन आसानी से, इसको इसकी सहायता से खोलते हैं ना। तो इसकी सहायता से जब खोलते हैं तो देखो इधर हम चम्मच को टेकते हैं, है ना, और इधर से उठाते हैं और इधर से हम इसको सहारा देते हैं, ये आलम्ब है, ये हमारा आयास है, ये आयास है और इधर आलम्ब है, और बीच में हम इसके बीच से इसको बल लगा उठाते हैं भार को, ऐसे इसको खोल देते हैं, ऐसे ढक्कन को खोल देते चम्मच से, ठीक है। तो ये भी हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में भार और आलम्ब के बीच में आयास होता है। जिन उत्तोलकों में भार और आलम्ब के बीच में आयास होता है, यानी कि आयास बीच में होता है, इस चित्र को ध्यान से देखो, इसमें आलम्ब एक किनारे पे है, भार किनारे पे है, और आयास कहाँ है, बीच में है ना। तो ऐसे उत्तोलक जिसमें आयास बीच में होता है उनको हम तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। इसके उदाहरण देख लो, इसके उदाहरण होते चिमटा जो तुम्हारे घरों में होता है, चाकू, झाड़ू, सीढ़ी, फावड़ा, ये सब घरों में होता है, ये हमारे तृतीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं। तो आज तुम लोगों को हमने उत्तोलक के बारे में बताया।